का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया जा रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा, दीपावली का खुशियाँ भी मनाइएगा। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 2016 को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा नहीं शामिल है? तो बाल तिलक थे, गोविंद राणे थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय नहीं थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिंथगो के काल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन थी। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था, सी नंबर सही है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लेबर पार्टी। भारत पर हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से में संग्रहित है? मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? बज्रयान शाखा से है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? इबादत खाना नाम है। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। न्यू कैंसल पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? मेक्सिको में स्थित है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, दिन में सही है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ और नन्नामली पहाड़ियाँ हैं। उनके कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात कोसी है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935 में किया गया था। सॉरी सॉरी सॉरी, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुग्रक हो जाता है? मरुस्थलीय बालू में। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा का एक रूप है। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार वही रहता है। परमाणु ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार वही रहता है। वायुमंडल में प्रकाश की विषण का कारण धूलकण है। किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है?
सर्प विषरोधी सुई किस यौगिक तत्व का एक यौगिक है? तो चांदी यौगिक है, स्वर्ण आयोडीन यौगिक है, सॉरी आयोडीन यौगिक है। दवा का विमीय सूत्र क्या होता है? Mn-1 T-1 होता है, Mn-1 T-1 दवा का विमीय सूत्र है। जैव सेल क्या है? प्राकृतिक तेल है। जैव सेल क्या है? प्राकृतिक तेल है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? स्पाइनल कोर्ड से है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क किस किस भाग से है? स्पाइनल कोर्ड से। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है और लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। मस्टर्ड, माउस, माउस बर्ड है, माउस बर्ड है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, O2 है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। प्राकलन समिति के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है, सॉरी गलती। प्राकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, सॉरी 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा निकाला जाता है। किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकालते? केंद्रीय वित्त मंत्री से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 12 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान में किस भाग में उल्लेखित किया गया? संविधान संशोधन, सॉरी गलती है, गलत है, भाग 18 में होगा। सूची एक सूची दो को मिलान सही करें। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल हो गया 10वीं अनुसूची में। दल बदल है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार अधिनियम 9वीं सूची में और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वां संविधान संशोधन में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मिंटो के अध्यक्षता में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में कौन सा औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। किन दो संस्थानों को ब्रिटेन बुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक को जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? केवी हेडगेयर का। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? केवी हेडगेयर का, हेडगेवार का। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक है। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक है। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। किस खेल से? कबड्डी से। निपक आंदोलन के प्रणेता थे? ज्ञानदेव। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? कुषाण ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे ऊसरा कहते हैं।
वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे हेलो क्लाइन कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे हेलो क्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिसिलेट ने किए थे। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मिसिलेट ने किए थे। भारत में स्मरणीय तथ्य रुटेरिया का, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र के तीन मानव कंकाल के अवशेष मिले? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए? बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए? बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियां और प्रमाण प्राप्त होता है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियां और प्रमाण प्राप्त है कालीबंगा लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगा से। नर्तक की काश मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की काश मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो में। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो में। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनाली से। तीन मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रभाव प्राप्त हुए धोलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त है धोलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त था धोलावीरा से प्राप्त हुआ। किसी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोलडीबा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोलडीबा से। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ और यव था, संस्कृत यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोरदा है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोरदा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा गया पिगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिगट ने। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगता है तो पढ़िए और लाइक शेयर कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए।